ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या विवाद का एक नया अध्याय शुरू हो गया है और उस अध्याय के हीरो हैं खान सर। खान सर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिनकी बातें सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रही है और जिनकी बातें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। खान सर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते हुए एक ऐसी बातें बोल दिए जो सोशल मीडिया पे तहलका मचाया हुआ है। खान सर के कोचिंग में पीसीएस लेवल की भी तैयारी होती है। पीसीएस की तैयारी करने वाली लड़कियों में से बहुत ऐसी लड़कियां थी जो शादी सुधा थी और अपने पति के साथ रहकर तैयारी करती थी। जब ज्योति मौर्या का विवाद तूल पकड़ लिया और सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड करने लगा और ज्योति मौर्या की जो करतूत है, ज्योति मौर्या का जो कारनामा है, वो कारनामा जब समाज के सामने आया तो समाज के बहुत ऐसे लोग ज्योति मौर्या को गलत ठहराने लगे और उसे मतलबी यार का दर्जा दे दिए कि जैसे ही वो मतलब से निकली अपने पति को भूल गई और किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए आतुर है। ज्योति मौर्या पे तमाम तरह की बातें हो रही है, ज्योति मौर्या पे तमाम तरह के गाने गाए जा रहे हैं, तमाम तरह के भद्दी भद्दी कमेंट भी किया जा रहा है। वहीं जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रही है लड़कियां जो शादीशुदा है, उसमें से काफी ऐसे उनके पति हैं जो इस मैटर को लेके काफी नाराज हो गए हैं और ज्योति मौर्या का गुस्सा अपने पत्नियों पे निकाल रहे हैं। वहीं खान सर कहते हैं कि हमारे कोचिंग में जितनी भी लड़कियां शादीशुदा पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी पीसीएस लेवल की, उनमें से बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनके पति उन्हें घर लेकर चले गए हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हें ज्योति मौर्या नहीं बनाना है और मुझे हीरा ठाकुर नहीं बनना है। आखिर पूरा मामला क्या हुआ था क्लास में? जब खान सर पढ़ा रहे थे तो क्लास में एक बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि खान सर ने उस पे कमेंट करते हुए बोले कि हमारे ही कोचिंग में से 93 लड़कियां जो शादीशुदा हैं, उनके मर्द आए और उनका नाम कटवाकर अपने घर लेकर चले गए और बोले कि नहीं, मुझे हीरा ठाकुर नहीं बनना है और मुझे तुम्हें ज्योति मौर्या नहीं बनाना है। 93 लड़कियों का लिस्ट उन्होंने बताया, 93 लड़कियों को बताया उन्होंने कि कोचिंग के क्लास छोड़कर अपने घर लौट गई है और उनके पति उन्हें घर लौटा दिए हैं। लेकिन खान सर ये भी बता रहे हैं कि ज्योति मौर्या की गलती की सजा किसी और को भला क्यों दिया जाए? आखिर ये लड़कियां जो पीसीएस लेवल तैयारी कर रही है, इनकी क्या गलती है? इन्होंने क्या गलती कर डाला कि इनके पति इनको अपने घर बुला लिए, बोले कि तुम्हें हमें किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी नहीं बनाना है, हम जितने में हैं उतने में खुश हैं और ऐसे ही जिंदगी जीते रहेंगे, लेकिन तुम्हें पीसीएस लेवल की तैयारी नहीं करने देंगे। खान सर ने यह भी बोला कि आखिर समाज किस दिशा की ओर जा रहा है कि किसी और की सजा हम किसी और को क्यों दे रहे हैं। खान सर ने इस बात की शुरुआत मजाक मजाक में किए थे, लेकिन जब वो भावुक होने लगे, तमाम तरह के ज्ञान देने लगे कि ऐसी चीजों से बचा जाए और समाज को एक नई दिशा दिया जाए, जिस दिशा में समाज को ढकेला जा रहा है ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बिटिया पढ़ रही है तो किसी और की सजा किसी और पे थोप के उन्हें सजा न दिया जाए, उन्हें गुनाहगार साबित न किया जाए जिसका गुनाह वो लड़की की ही नहीं है। वो पढ़ना चाहती है तो उन पतियों से अनुरोध है कि उन पत्नियों को पढ़ाया जाए, किसी और की सजा किसी और को नहीं दिया जाए। यही है ज्योति मौर्या की कहानी। बाकी तो आप लोग ज्योति मौर्या के जो कारनामे हैं, ज्योति मौर्या ने अपने पति के साथ जो की है, वो तो उससे आप सभी लोग वाकिफ ही होंगे।